हेलो फ्रेंड्स, आज बड़ी खुशी हो रही है इस बात को सुन कर के कि CBSE बोर्ड द्वारा रिजल्ट क्लास 12 का घोषित हुआ। मुझे ये वीडियो शेयर करते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है और उस समय की बात याद आ रही है जब किसी क्लास 12 का रिजल्ट निकलने वाला था और उस दिन बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। इंटरनेट उतना विकास नहीं किया था लेकिन रिजल्ट की ऐसी बेचैनी थी कि भीगते हुए हम लोग मार्केट में गए और वहाँ जब पहुँचे शाम के लगभग 4 बजे, तब तक पेपर नहीं आया था जिसमें रिजल्ट आता था। लेकिन जैसे ही 4:30 के आसपास हुआ और दुकानदार वाला पेपर ले आया, एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग अपना अपना रोल नंबर उसे दिए और धीरे धीरे बताते चले गए। रिजल्ट के लिए इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्यों थी? क्योंकि हम पूरे साल भर मेहनत किए, उस दिन परिणाम आने वाला था। जी हाँ दोस्तों, तो उस परिणाम के बारे में बात करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और यही निवेदन करेंगे कि वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही में यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम साल भर परिश्रम करते हैं और उसका परिणाम क्या आता है? जैसा साल भर परिश्रम करते हैं उस मुताबिक परिणाम आता है। वैसे ही हमारे अंतर मन में उस परिणाम को जानने की एक जिज्ञासा सी बनी रहती है। लेकिन जो लोग पूरे तन और मन से मेहनत नहीं करते हैं, उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रहती है, उनके अंदर उस परिणाम को जानने की उतनी जिज्ञासा नहीं होती है और न ही परिणाम को लेकर उतना ही वो खुश नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसे ही ये आपकी लाइफ की दूसरी परीक्षा होती है, हाई स्कूल के बाद 12वीं होती है। लेकिन यही परीक्षा आपका भविष्य निर्धारित करती है और ये परीक्षा का परिणाम आपके हाथ में होता है। अगर कोई कहता है कि मेरा भाग्य नहीं साथ दिया, तो एक बात विश्वास रखिए, भाग्य में लिखा हुआ भी आपके भाग्य से चला जाएगा अगर आपके कर्म खराब हो जाएंगे। एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं। पापा ने आपको बड़ी अच्छी पुस्तक दे दी पढ़ने के लिए, बड़ा अच्छा मकान दे दिया रहने के लिए, बड़ी अच्छी गाड़ी दे दी उससे चलने के लिए, बच्चे को परेशानी ना हो। लेकिन उस गाड़ी का मेंटेनेंस करना, उस घर का देखभाल करना, वह आपका काम है। उसको अपने से ज़्यादा आपको मानना होगा और जिस दिन आप उस प्रॉपर्टी को अपने से ज़्यादा मानेंगे, उस दिन वह प्रॉपर्टी आगे ही बढ़ती जाएगी। अर्थात जो गाड़ी है, जो घर है, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने पाएगी। जी हाँ, ऐसे ही होता है। जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है? जिस दिन आप क्लास 5th से 6th में जाते हैं, उसी दिन अगर आप लक्ष्य अपना बना लेते हैं कि हमें क्या बनना है, और बाई चांस मिस हो गया 6 के बजाय 7, 8 के बाद 9th, जो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है फॉर फ्यूचर मेकिंग,
उसमें अगर अपना एक टारगेट बना लेते हैं और उस टारगेट को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए एक कार्य प्रणाली कुशलतापूर्वक आपको बनानी होगी और वह कार्य प्रणाली आपको नियमित करनी होगी। कक्षा 9 से ही आप लक्ष्य बना लीजिए और उस लक्ष्य पर नियमित 1 घंटे समय दीजिए। अब जोर डालिएगा कि 9, 10, 11, 12 3 साल ग्रेजुएशन आपका 7 साल हो जाएगा उस लक्ष्य के लिए तैयारी करते हुए, और 7 साल का जो प्रिपरेशन रहेगा, जैसे ही ग्रेजुएशन ओवर होता है आप एंड परीक्षा देते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको आगे बढ़ने से। लेकिन बस इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित हैं, कितना बेहतर ढंग से करते हैं, मायने रखता है। एक होता है अपने कार्य को करना, एक होता है अपने कार्य को पूरी तल्लीनता से करना। मुझे याद आ रहा है वो प्रेमचंद की एक कहानी जिसमें था कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता। उसमें प्रेमचंद जी एक अपने मित्र का वर्णन किए हैं जो कि नाई रहता है, नाऊ जिसे कहते हैं, उनके यहाँ जाते हैं बाल कटाने के लिए। और जाते हैं तो देखते हैं कि वह एक व्यक्ति का बाल काटने में बिजी है, और जैसे इन्हें देखता है वैसे ही कुर्सी ले आके इन्हें दे देता है बैठने के लिए, और फिर उसमें वो बिजी हो जाता है बाल काटने में। और उसके जो बाल हैं जिसका इसका मित्र काट रहे हैं, उसका जो बाल है ऐसा लग रहा जैसे कई साल हो गया, उसमें तेल नहीं रखा गया है, शैम्पू नहीं लगाया गया, इतना धूल मिट्टी से भरा हुआ है। और वह जो नाऊ है जो बाल काट रहा, प्रेमचंद जी का जो मित्र है, इस प्रकार से सुलझा सुलझा के काटने का प्रयास कर रहा है जैसे किसी राजा महाराजा या किसी प्रधानमंत्री का बाल काट रहा हो, इतने मेहनत से काम कर रहा है। और उसे इस बात का ध्यान नहीं है कि मेरा सबसे खास मित्र जो है बैठा हुआ है और उसके बाल काटने में आधे लगभग 45 मिनट तक समय व्यतीत किया, और जब व्यतीत हो गया उसका बाल कट गया फिर इन्हें बुला। ये होती है कर्तव्य परायणता। कार्य करना एक बहादुरी नहीं होता है, कार्य को करते हुए अपने परिणाम को अपने अनुरूप ले आना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है और वही सफलता होती है। क्योंकि पता है आपको, परिश्रम को लोग पुरस्कार नहीं देते हैं, परिणाम को पुरस्कार देते हैं। आज जो भी बच्चा टॉप किया होगा पुरस्कार उसे ही मिलेगा, कोई कितना भी मेहनत किया टॉप नहीं किया पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो लोग परिणाम को हमेशा पुरस्कृत करते हैं, आपके परिश्रम को नहीं। लेकिन परिश्रम ही परिणाम बदलता है, लेकिन उस परिश्रम को अगर आप व्यवस्थित ढंग से सैद्धांतिक रूप से सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तब परिणाम बदल जाएगा। और परिणाम आपका जो मिलेगा वह बहुत ही सुखदायी होगा, हमेशा आपको खुशियां बिखेरेगा। तो इसलिए हमारा उन बच्चों से विशेष तौर पे जो इस बार 10+2 पास किए हैं, जिनका आज रिजल्ट आया है, उनके मन में खुशियां तो होंगी, लेकिन अभी रुकना नहीं है, खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। अपने लक्ष्य को चुनिए और उस लक्ष्य को अभी से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, और तब तक आगे बढ़ते रहिए, तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार न कर लीजिए। जब तक आपका जो लक्ष्य है पूरा न हो जाए, आपके माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा मेरा सपने को साकार करे, बेटी मेरी सपने को साकार करे। अपनी हर खुशी आप पर लगा दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, मेरा ये निवेदन है, अनुरोध है, आप अपने माँ बाप की खुशियों को अपनी निगाहों में बसा लीजिए और उन खुशियों को ध्यान में रखते हुए अपने परिश्रम करिए और माँ बाप को जो उनका एक लक्ष्य है
मेरा बेटा मेरी बेटी यह लक्ष्य हासिल करें, उसे करके दिखाइए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में साधन कभी बाधा नहीं बनी है, बाधा बनी है तो सिर्फ साधना। आपके क्लास में एक ही अध्यापक पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट एक ही अध्यापक पढ़ाते हैं, उसमें 20 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, उसी क्लास का बच्चा रहता है 98% ले आता है और उसी क्लास का बच्चा रहता है 25% ले आता है। तो फर्क रहता है दोनों की मेहनत में। जैसे एक मेरा मित्र है, वो कहा कि अब एक काम छोड़ देंगे, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कहें कि अब काम छोड़ देंगे, इस टीचिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, सैलरी बड़ा कम देते हैं। हमको कितना देते हैं, कहें कि बस यही 18,000 रुपये देते हैं। तो हम कहें कि 18,000 रुपये सबको देते हैं कि सिर्फ आपको देते हैं? कहा नहीं, हमको देते हैं। कहा हम पूछे कि और लोग हैं? कहे मतलब और लोग हैं 40,000 भी पा रहे हैं, 45,000 भी पा रहे हैं, 60,000 भी पा रहे हैं। तब हम कहे तब वो स्कूल दोषी नहीं है, दोष आपकी काबिलियत में है। जब एक दूसरे बंदे को वह स्कूल वाला वह कंपनी 40,000-50,000 दे रही है और आपको 18,000 दे रही, रीज़न इसके पीछे क्या है? रीज़न सिर्फ यही है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए, काबिलियत को आगे बढ़ाइए, सफलता झक मार के आपके पास आ जाएगी जिस दिन आप काबिल बन जाओगे। तो बस इतना ही कहना है। आप लोगों का रिजल्ट आया है, रिजल्ट अभी पूरा नहीं आया है। रिजल्ट उस दिन आएगा जिस दिन अपने माँ बाप के सपनों को आप साकार कर देंगे। और जीवन में हमेशा याद रखना, साधन कभी भी किसी भी लक्ष्य में बाधक नहीं होता। बाधा अगर उत्पन्न होती है, कारण उत्पन्न होता है, तो सिर्फ आपके साधना में कमी रहती है, आपके परिश्रम में कमी रहती है, जिसके कारण से व्यक्ति असफल हो जाता है। तो उसी साधना को करने की ज़रूरत है और व्यवस्थित ढंग से करने की ज़रूरत है। जैसे साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जिस बंदूक की गोली को यदि हाथ से फेंक कर मारा जाए तो उसका कुछ असर नहीं होगा, लेकिन अगर वही बंदूक के अंदर डाल करके हम लोग गोली चलाते हैं तो उससे बड़े बड़े हाथी भी मर जाते हैं। तो वो सिस्टम है, गोली का वो सिस्टम है। जिस प्रकार से आपका लक्ष्य है, उस प्रकार से आपको उस सिस्टम में ढालना होगा और उस सिस्टम के अनुसार चलना होगा। और जब तक लक्ष्य न मिले, अपना नींद चैन खुशी भूख प्यास सबका त्याग करो, और जिस दिन लक्ष्य मिल जाएगा, इस सारी पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस मेरा यही गुजारिश है, आप लोगों से निवेदन है कि अभी ये जो उम्र है, इसमें आप एक पॉजिटिव ख्याल को लेते हुए और विशेष तौर पे अपने माँ बाप के सपनों को अपने आँखों में, अपने निगाहों में, अपने दिलो दिमाग में बैठा कर चलते हुए आगे बढ़िए, और निश्चित तौर पर एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। हमारा इतिहास गवाह रहा है, एक आदेश का पालन करने के लिए राम जी पूरी अयोध्या नगरी का त्याग कर दिए, सिर्फ एक आदेश का पालन। और आदेश क्या था? पिताजी का आदेश था। तो माँ बाप के आदेश पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क न कीजिए, और जैसा वो कहते हैं वैसा उसे आप करिए। देखिए, जीवन में कभी आप किसी प्रकार के दुख नहीं पाएंगे, दुख का सामना नहीं करेंगे। आज बस इतना ही कहेंगे और आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और आप ज़रूर हमारी बातों का फॉलो करेंगे। और जाते जाते एक बार पुनः आपसे यही कहेंगे कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए और अभी से अपने दिलो दिमाग में अपने लक्ष्य को बैठा लीजिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को करिए। और अभी ये रुकना नहीं है, अभी आपको रुकना नहीं है कि 12 का रिज़ल्ट आ गया आप रुक जाएं, अब 2 महीना बाद या जब एडमिशन होगा तब करें, कुछ नहीं। अपने लक्ष्य को आप अपनी निगाहों में बैठाइए और उस अनुसार अभी से
उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में लग जाइए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ आप लोगों का प्यार जितना मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो उसे अपने जीवन में उतारिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।